सो दोस्तों स्टार्ट करना है सातवें कक्षा प्रश्न जो मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। वीडियो हो गई थी लंबी, छोटी करने के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिलहाल खाना पर प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक मीनार के पाद से। अब देखिए मीनार और पाद मतलब पैर निचला वाला भाग वो वाला नहीं से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ पे मीनार कौन है, पाद कौन है, सॉरी। सो यहाँ पे अगर मैं फिगर बनाने का प्रयास करूं तो हमको कुछ समझ में आता है ऐसे कि मीनार के पाद बिंदु से कौन जमीन है, यहाँ पे मीनार है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का कौन भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश समझ में आ रहा है। तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश समझ में आ रहा है, ऐसा कोई चित्र बन रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है 50 है, भवन की ऊंचाई h फाइंड करनी है। तो उम्मीद है आपको ये चित्र समझ में आया होगा। अभी चलते हैं इसको बनाते हैं और हल करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे बना लिया है चित्र के हिसाब से बना लिया है ये जो भी लिखना था। ज्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने, बस इतना से लिख लिया है मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर जो दी गई थी मैंने 50 मीटर लिख लिया है। और भवन मीनार के पाद से शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश जो लिख लिया है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये जो 60 अंश है वो लिख लिया है। लिखने के बाद और कुछ नहीं किया है, बस आगे शुरू कर दिया है। यहाँ करने के बाद इतना आपको बना लेना है, साफ सुथरा बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है, कोण सही बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिलहाल यहाँ पे हमको निकालना है माना भवन यहाँ पे हमको भवन की ऊंचाई निकालनी है। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, हमको यही निकालना है। तो h हमको तब मिलेगा जब हमको ये मिला होगा, ये हमसे मतलब कुल मिला के समझो भैया कहाँ से शुरू करेंगे, ये हमको निकलेगा कहाँ से, अगर यहाँ से हम tan 30 लगाएंगे लंब बटे आधार, आधार हमको मिलेगा कहाँ से, tan 60 बराबर लंब बटे आधार से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बात तो त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे ए है बी है सी है, इस त्रिभुज में हमको क्या दिखाई दे रहा है, में tan 60 अंश बराबर लंब क्या है, ए बी है, आधार बी सी है। बस tan 60 का मान √30 रखो, इसका मान 50 रखो, इसका नाम BC रखो, BC को वहां पे पहुंचा दो, BC बराबर 50 बटे √3 रखो, इसको यहीं पे रखे रहो, बाद में भी काम में आएगा। अच्छा डिब्बे में बंद करना जरूरी नहीं, बंद अच्छा नहीं लगता। समीकरण एक बना दो या फिर रहने दो, वैसे कुछ है, बस ऐसा रहने दो, डिब्बे में बंद मत करना, इतना ही रहने दो। रहने के बाद त्रिभुज BCD में आ जाएंगे, में क्या दिखाई दे रहा है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, 30 अंश बराबर लंब है DC बटे आधार है BC, tan 30 का मान होता है 1/√3 रखते हैं, DC का मान क्या है वो हमको h निकालना है, BC का मान कितना है ये पे निकाले हुए रखोगे, 50 बटे अंडर रूट तीन ऊपर जाएगा, 1/√3 बराबर यहाँ पे √3 h बटे 50, एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो एच को रहने दो, 50 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, 50/√3 गुणते √3 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा एच बटे 50/3, 50 बन जाए भैया, हाँ 50 ही है, 50/3 भाग कर देंगे उत्तर मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा काम है। क्या मिलेगा, भाग करो भैया, 3 से 50 में भाग, 3 × 9 = 3 बचेगा 2, 3 × 6 = 18 बचेगा 2, 16 सही 2/3 मीटर। दशमलव में बदलोगे 0 और 3 × 6 = 18, 6 × 6 = 12 आ जाएगा, या कह दोगे 16.666 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं इसको 16.67 मीटर, जो मन कहे सो उत्तर दे दो, ये आपकी मर्जी है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, त्रिकोणमिति का बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगला प्रश्न इसका अथवा खाका सातवें का खाका अथवा क्या है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के ए उदृष्टि
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। 3000 से 4000 रन चार बल्लेबाजों ने बनाए हैं, बस इसी प्रकार ये दिया गया है। आखिरी वाला देखते हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात कीजिए, चलिए बनाते हैं इसको। बहुलक का सूत्र तो आपको याद होगा ना, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ वन एफ टू माइनस एफ जीरो एफ टू इंटू एच होता है, यही तो होता है ना। ये क्या होता है? ये होता है एफ जी, मतलब एफ वन होता है इसके ऊपर जो अधिकतम होता है वो एफ वन होता है, इसके सामने बहुलक वर्ग हो जाता है, ये बहुलक कि निम्न सीमा यल का मान हो जाता है, इसके ऊपर वाला एफ वन नहीं एफ जीरो हो जाता है, ये तो एफ वन ही है, इसके नीचे वाला एफ टू हो जाता है, बस हो गया। और ये क्या होता है? इन दोनों का अंतर 1000, बस यही को यहाँ पे सीधे सीधे रख देना है और उत्तर आ जाना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है, लेकिन ये आप लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि मेरे पास ये वाली लाइन नहीं थी, इस वजह से समझ में आए इसलिए सीधी लाइनें खींची ताकि उसको आपको दिखाई दे, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत बड़ी चीज है। तो आपको ये लाइन नहीं खींचनी है, आपको ये लाइन खींचनी है। ओके आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे अधिकतम जो बहुलक मिला है वो है बल्लेबाजों की संख्या का अधिकतम बहुलक, बल्लेबाजों की संख्या का अधिकतम की अधिकतम बारंबारता, बारंबारता जो है वो है 18, इसलिए 18 के सामने वाला हो जाएगा बहुलक वर्ग 4000 5000। इसके लिए यल का मान निम्न सीमा 4000, एच का मान अंतर 5000 माइनस 4000 बराबर 1000, यल एफ वन का मान जो 18 है वही होता है एफ वन का मान, एफ जीरो उसके ऊपर उसके नीचे वाला होता है एफ टू का मान 012 ऐसे करके होता है। एफ वन बराबर 18 हो गया, एफ जीरो बराबर हो गया है 4, एफ टू बराबर हो गया है 9। इन गिनतियों को लिखने के बाद फिर से वही बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन एफ वन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। मान रखना शुरू करते हैं, एल का मान 4000 प्लस एफ वन का मान 18 माइनस एल एफ जीरो बराबर 4, 18 लिखना था क्या 14 लिख दिए हैं। यहाँ पे 2 × 18 माइनस 4 माइनस ये 9 जो है, गुणते एच यानी कि 1000 है, 4000 प्लस यहाँ पे घटाने के बाद 14 मिल गया, 18 × 36 हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद 13 हो गया, गुणते 1000 हो गया, यहाँ पे 4000 है प्लस 14/, इसमें से घटाने के बाद 3 × 2 = 23, गुणते 1000 हो गया, और यहाँ पे 4000 प्लस 14000/23, तो यहाँ पे 4000 प्लस भाग देने के बाद जो भी गिनती मिले वो आप लंबा वाला भाग करके निकालेंगे। मुझे ये संख्या प्राप्त हुई है भाग देने के बाद 608.7, जो कि जोड़ने के बाद 4607 हो जाएगा रन, बहुलक रन बराबर इतना हो जाएगा, यही हमारा रन लिखना था भैया, पता नहीं क्या लिखे हैं। एंसर सो पेपर होता है यहाँ पे खत्म। अभी मॉडल पेपर संख्या 5 भी है, अगर आप कहेंगे कमेंट करके कि उसको भी बताइए तब हम बताएंगे। फिलहाल एक कमेंट आया है कि चैप्टर वाइज शुरू कीजिए, तो हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइबर
की संख्या बढ़ाइए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसके साथ और भी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आप मेरा चैनल बड़ा करेंगे, अपना ही चैनल बड़ा करेंगे, तो आपको भी लाभ पूरी तरीके से मिलेगा। अभी ऐसे पढ़ाता हूँ, कल कुछ और तरीके से पढ़ाऊँगा। अब ये बात ना सोचिएगा कि हाई स्कूल तो पास कर लिया, सर 11 वाला 12 वाला तो पढ़ा नहीं रहे हैं तो लाभ नहीं होगा। भैया अभी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपको करनी सीखनी है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लाऊंगा छोटी छोटी वीडियो में, 5 मिनट के देखें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम होंगे कामयाब एक दिन, इतना है विश्वास, उतना है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन।